भाभी को इतनी देर क्यों लग गई मॉम? मुझे तो उसी की चिंता खाई जा रही है, कब आएगी भगवान जाने। ममता, ये हाथों में खून कैसे बेटा? भाभी, आप तो मंदिर गई थी ना, तो ये खून कैसे? हाँ, मैं मंदिर गई थी। मंदिर जाकर मैंने बहुत घंटियां बजाई, शायद भगवान नींद से जाग जाए और मेरी आवाज सुन ले, पर वो बहुत गहरी नींद में सो रहे थे बाजी। उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंची। ममता, दुखी होकर अपने आप को इतनी तकलीफ मत दो बेटा, कृष के बारे में सोचो, अब उसे तुम्हें ही संभालना है, और मेरे अक्षय से जो गलती हुई है उसकी मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। माँ जी, माँ जी नहीं, आप माफी क्यों मांग रही हैं? अक्षय ने कोई गलती नहीं की, मुझे उन पर पूरा विश्वास है माँ जी। सिद्ध की बात रहने दीजिए, खुद अगर भगवान भी मुझसे आकर कहे ना कि अक्षय ने मेरे साथ धोखा किया है तो मैं कभी नहीं मानूंगी। जब तक अक्षय खुद मेरी आंखों में आंखें डालकर ना कहते, मैं सत्या की बात को सच नहीं मानूंगी, कभी नहीं मानूंगी। अरे ममता, कैसी हो तुम? जिस अक्षय पर इतना गुमान था, उसकी काली करतूत देखकर ज्यादा दुख तो नहीं हो रहा तुम्हें? ये देखो दादी क्या लाई है, देखा? बता। आ जाओ, मैं तुम्हें खिला देती हूँ। आओ किचो। अच्छा बनाया? दादी आप मुझे भी खिलाओ ना। तुम दोनों खा लो बेटा। खाली एक चम्मच। सत्या, सत्या, ये क्या कर रही हो तुम? कहाँ जा रही हो? सत्या, मैंने तुम्हें अक्षय की इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताया था ना, देखो वो करोड़ों की रकम है। मेरी बात सुनो, तुम अपना और आरव का भविष्य संवार सकती हो, मेरी बात सुन रही हो तुम? तनिषा जी प्लीज, आप प्लीज मेरे बारे में कुछ मत सोचिए, मैंने फैसला कर लिया है। फैसला? कैसा फैसला? मैं ये घर छोड़कर जा रही हूं। और पॉलिसी की रकम? पैसे? तनिषा जी, आपने शायद मुझे समझने में गलती कर दी। मैं यहां पैसों के लालच के लिए नहीं आई, मैं तो यहां सिर्फ अपनों का प्यार पाने आई हूं। पर अब
जब सच्चाई सबके सामने आई और ममता की आंखों में जो तकलीफ मैंने देखी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। ममता अक्षय की पत्नी है और मैं जानती हूँ कि अक्षय उसे बहुत प्यार करते थे, तो जब अक्षय उसे दुखी नहीं देख सकते थे तो मैं उसे दुखी कैसे कर सकती। पर सत्या, तुम भी अक्षय की पत्नी हो, ऐसा ममता नहीं मानती। वो अभी ये सोचती है कि अक्षय एक दिन वापस आएंगे और उसे सारी सच्चाई बताएंगे, पर हम जानते हैं कि वो नहीं हो सकता, वो दिन कभी वापस नहीं आएगा। मगर मेरी बात तो तनिषा जी, मैं यहाँ पर सिर्फ अक्षय की 13वीं तक रुकना चाहती थी और आज वो मेरा वक्त खत्म हो गया। बस अब मेरा यहाँ कोई मतलब नहीं, ना मैं किसी चीज़ की लालच के लिए आई थी और ना ही मुझे पैसों का लालच है। मेरे बेटे को उसके पिता का नाम मिल गया, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए और मैं ममता को और दुखी नहीं देख सकती, मुझे जाना ही होगा। लेकिन इस बेवकूफ के एक फैसले की वजह से मेरा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। चलो बेटा, हमें जाना होगा। कहाँ जाना है मम्मा? वापस अपने घर? नहीं मम्मा, मुझे कृष के साथ खेलना, तारा नहीं जाना। देखो कृष बेटा, अभी हमें जाना होगा, पर अगर आपकी मम्मी आपको आने देना तो आप अरव के घर आके खेलना, ठीक है? वो भी आपके भाई जैसा है ना। मैं नहीं आऊंगा। नहीं अरव बेटा, हमें यहाँ से जाना होगा, चलो। दादी मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। आज बहुत दिनों बाद मैंने कृष के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी है। अगर अरव चला जाएगा दुखी होगा वो। मामा मा, मुझे कहीं नहीं जाना, यहीं रहना। चलो आरव। हाँ सत्य, अक्षय की पहली बीवी है ममता। ये सच है ममता, सत्य ही अक्षय की पहली बीवी। मैं जानती हूं ममता कि अक्षय हमेशा हमारे दिल में रहेंगे, पर शायद अक्षय के इस घर में मैं अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन मेरे दिल में तुम्हारे लिए हमेशा इज्जत और सम्मान रहेगा। सच में ममता, तुम जैसे लोग इस दुनिया में बहुत कम होते हैं। जब हालात आपके खिलाफ हों, उस वक्त अगर कोई इंसान आपका साथ दे तो उस इंसान का दिल इस दुनिया में सबसे साफ दिल होता है। तुमने मेरा साथ तब दिया जब हर कोई मेरे खिलाफ था, पर शायद सच जानने के बाद तुम क्या चाहती हो? तुम आखिरी विदाई, मेरा यहां आने का मकसद अब पूरा हो गया। अब मेरी वजह से तुम्हें और दुख नहीं होगा ममता। मैं तो यह तुम्हें दुख देने आई नहीं थी, पर हाँ अब मैं यहां से एक उम्मीद लेकर जा रही हूं। ये उम्मीद कि हर जन्म में मैं तुम्हारी बहन या दोस्त बनूं, क्योंकि हर जन्म में मुझे एक ममता की जरूरत पड़ेगी। तुम्हारा साथ मेरी हर मुश्किल आसान कर देगा ममता।
जो तकलीफें तुम्हें मेरी वजह से उठानी पड़ी ममता, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरव बेटा, अपनी छोटी मम्मा को बाय बोलो। बाय। रिश को हमारे घर रखो कहने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा बुआ जी। अरव बेटा, बुआ जी के पैर छू। हमेशा खुश रहो। सत्या, अपना ख्याल रखना। और हाँ बेटा, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो जरूर याद करना। सिद्धार्थ जी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से आपको अपने परिवार में बुरा बनना पड़ा। प्लीज, I'm really sorry. जीते रहो बेटा। कभी नहीं भूल पाऊंगी ममता। भगवान की पूजा करने से पहले मेरे मन में तुम्हारे लिए श्रद्धा होगी। अरव बेटा, अपनी छोटी मां के पैर छुओ। मैं चलती हूं। मम्मा मम्मा, मुझे घर नहीं जाना है, यही रहना है दादी के पास। दादी, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। आई लव यू दादी।
आरव कहीं नहीं जाएगा। वो इस घर का बड़ा पोता है और मेरे अक्षय का बड़ा बेटा। आरव यहीं रहेगा अपनी दादी के पास। आरव, मैं तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाती हूँ। तुम्हारे पापा को भी बहुत अच्छा लगता था। दादी, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। खाओगे ना दादी के हाथ से? हाँ। दमयंती रुको। देखा, माँ जी नहीं चाहती कि सत्या और आरव इस घर से जाएं, और हमें माँ जी की बात माननी ही पड़ेगी। वो इस घर की बड़ी है, उनकी आज्ञा का पालन होना ही चाहिए। करण, जाओ सत्य का सामान अंदर ले जाओ, प्लीज उसकी मदद करो। चलो। चलो सत्य, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इस घर पे तुम्हारा बिल्कुल अधिकार है। चलो। भाभी, भाभी मामा ऐसा क्यों कर रही है? वो ऐसा क्यों कर रही है भाभी? सत्या इस घर में नहीं रह सकती। मैं मामा को समझा के आती हूँ। मासूमा, शायद पहली बार आज तनिषा ठीक कह रही है। हमारे घर में छोटे बड़ों से सवाल नहीं करते। अगर माँ जी ने फैसला लिया है तो वो ठीक ही होगा। हम कौन होते हैं उनके फैसले पर उंगली उठाने वाले? क्यों, मामा इंसान नहीं है क्या? मामा से गलतियां नहीं हो सकती है क्या? मैं जानती हूँ कि मैं सही कह रही हूँ, इसलिए कह रही हूँ। सत्या इस घर में नहीं रह सकती। उसका मेरे परिवार से, मेरे भाई से, किसी से कोई रिश्ता नहीं है भाभी, कोई रिश्ता नहीं है। संभालो अपने आप को मासूमा, संभालो। नहीं भाभी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर मामा चाहती है ना कि सत्या इस घर में रहे तो ठीक है, मैं ये घर छोड़कर चली जाती हूँ, क्योंकि मैं इस घर में नहीं रह सकती। सिर्फ सिर्फ मुझे अपने साथ ले चलोगे? मैं इस घर में नहीं रह सकती भाभी। और आप भी हमारे साथ चलिए, हम बहुत दूर चले जाएंगे। चलिए भाभी। मासूमा, तुम अपनों से भागकर कहीं नहीं जा सकती। तुम इनसे नहीं, अपने आप से भागने की कोशिश कर रही हो। ये हमारे अपने हैं, ये हमारा परिवार है, इन्हें हम छोड़कर क्यों जाएं? क्यों जाएं? ये सच और झूठ की लड़ाई है मासूमा, और जीत सच की ही होगी। बस बस तुम थोड़ा सा सब्र करो मासूमा।